राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध कम होता नहीं दिख रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर जेयू हंगामे पर सरकार की चुप्पी को लेकर कई सवाल खड़े किए। गुरुवार को नेताजी जयंती के मौके पर एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल जगदीप धनखड़, फर्स्ट लेडी ऑफ स्टेट सुदेश धनखड़ उपस्थित हुए। सेमिनार परिचर्चा में राज्यपाल ने नेताजी के साहस से लेकर शिक्षा के महत्व पर अपने विचार भी प्रकट किए। भारत के संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के टकराव का कोई स्थान ही नहीं है। व्यक्तियों में टकराव हो सकता है, जगदीप धनखड़ मणि से टकराव ले सकता है, एरोगेंस हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस में एरोगेंस नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने को कभी विवाद में नहीं डालना चाहिए। यदि अगर कलकत्ता कोर्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया और उस पर भी अपने विवाद करें, मन को पीड़ा होती है। देश का प्रधानमंत्री है, एक ऐसे व्यक्ति के नाम किया जिसने आर्टिकल 370 के लिए अपना जीवन दे दिया, जो कितनी कम उम्र के अंदर वाइस चांसलर था, कितना योगदान दिया, उस सपूत के नाम कर दिया। खुशी के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा नोबेल प्राइज मिला विजय बंद, हम अभिभूत हैं, हमें कोई खास पैदा नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड है, सेलिब्रेटरी मोड है, और ये कहने का है दुनिया को कि हमारे एक सपूत ने पावर्टी एलिविएशन के अंदर दुनिया को एक फॉर्मूला दिया है। पश्चिम बंगाल डेंसली पॉपुलेटेड है, उसको ये इसका ज्यादा फायदा होगा। उसमें कोई भी टिक्का टिप्पणी करें नहीं होना चाहिए। किसी का अनादर यदि कोई जानबूझकर भी कर रहा है, मैं पहला व्यक्ति हूं एक ने 100 पूर्ण की गोद पीऊंगा और इस मौके के अंदर किसी प्रकार की खास न आए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और जो करना चाहते हैं रोकना चाहिए। आज के दिन कह रहा हूं, नेताजी के जन्म जयंती पर कह रहा हूं, जितना झुकना पड़ेगा मैं झुकूंगा। और इस मौके को तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा मौका है। एक ऐसे व्यक्ति को हम ऑनर कर रहे हैं जिसका आना हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। दुनिया में लोगों को पता लगेगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या है, क्योंकि हम ऑनर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, यू लुक आउटसाइड इन द मिरर।